यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के लहू की जय और आप सबों को जय मसीह की। आज मैं दूरबीन पर बात करना चाहता हूं आपसे। आपने देखा होगा मेरे पिछले कुछ वीडियोस में कि ये दूरबीन मेरे पीछे रखी हुई थी और मैंने कई दिन तक इसको पीछे रखा था, और क्योंकि मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा जिज्ञासु हो कि ये दूरबीन पीछे क्यों रखी है, उसका कोई मतलब है। और आज मैंने इसको अपने सामने लाके रखा है और आज हम इस दूरबीन पर बात करेंगे। टेलीस्कोप, दूरबीन, दूर की बिनाई, बिनाई का अर्थ होता है दृष्टि, दृष्टिकोण उर्दू में। तो ये दूर के दृष्टिकोण की बात है और आज मैं ऐसे मसीहियों से बात करना चाहता हूं जो दूर का दृष्टिकोण रखते हैं, सामने का दृष्टिकोण रखते हैं, पीछे की बातें नहीं। पीछे ये हुआ वो हुआ वो सब भूल जाइए, क्योंकि जो कोई हल पर हाथ रख करके और पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। और अंग्रेजी में इसको टेलीस्कोप कहते हैं, टेली मीन्स दूर, स्कोप यानी जिसके अंदर जो स्कोप होता है यानी जो देखने का जो नजरिया होता है, तो ये दूर के देखने का नजरिया है। तो हम टेलीस्कोप पर बात करेंगे और हम हड्डियों पर बात करेंगे, हड्डियों पर। आप कहेंगे कि ये क्या मतलब, कुछ ओझाई सोखाई कर रहे हैं क्या, ये हड्डा हड्डी जो है, मसीहियों हड्डी को मामूली मत जानिएगा। जी, बाइबल हड्डियों की कितनी बातें करती है और आज मैं इसी हड्डी पर बात करूंगा। मेरे साथ आप रहिएगा, डरिएगा नहीं, हड्डी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु ऐसा महान प्रभु है कि वो हड्डियों में भी जान डालता है मित्रों। और अगर आप सोच रहे हैं कि हड्डियां जानते हैं कब होती, जब आदमी मर जाता है, खप जाता है और सिर्फ हड्डियां रह जाती, तो हम सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। और आज मैं बात करना चाहता हूं कि पता नहीं आप किस हड्डी जैसी परिस्थिति में हो, या आपकी सिचुएशन हड्डी जैसी हो गई, यानी देयर इज नो लाइफ इन इट, इट्स ऑल ड्राई बोन्स। लेकिन हड्डियां और दूरबीन का सीधा संबंध आज इस पर हम बात करेंगे। कुछ एक पद मैं हड्डियों पर पढ़ना चाहता हूं और फिर एक गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। मेरे साथ रहिएगा आज, आज इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और किसी ना किसी को जानने दीजिए। आपको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, खुदा का कलाम है, बस एक आपको दबाना तो है, केवल एक क्लिक करना है और पता नहीं किसकी जिंदगी में बाहर आ जाए, किसकी हड्डियों में जान आ जाए, किसके पास दूरबीन आ जाए, टेलीस्कोप आ जाए, दूर की दृष्टि आ जाए। तो मेहरबानी से इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत समय मैं नहीं लूंगा आपका, लेकिन एक बहुत ही गंभीर विषय पर जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आइए पहले इस गीत को सुनते हैं। देखेंगे साम्राज्य के पार जाएंगे साम्राज्य।
का है पूरा उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा, आने का वादा भी पूरा होगा, देखेंगे सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, मेरे आसमान के पार जाएंगे। दूरबीन पर जो हम बात कर रहे हैं वो खुदावंद के कलाम से, हड्डियों पर जो बात कर रहे हैं वो खुदावंद के कलाम से। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बिशप साहब क्या हम आपके मैसेजेस या आपके सर्मन अपनी कलीसियाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उनको लेकर के हम लोग बोल सकते हैं। कई पास्टर्स प्रीचर्स ने हमसे पूछा, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सेत में तुम्हें दिया गया है, सेत में तुम दो। ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन उस परम पिता परमेश्वर का है, और जितना हक मेरे को है इस पर उतना ही हक आपको भी है। इसलिए बगैर खौफ के, बिना किसी परमिशन के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन लेना है तो खुदावंद से लीजिए, जिसका कलाम है। बस एक काम कीजिएगा, ना इसमें अपनी ओर से कुछ जोड़िएगा और ना इसमें से कुछ घटाइएगा। मेरे अगर वचन है तो उसमें से आप जोड़ घटाना जो करना कर लीजिए, लेकिन खुदा का कलाम जैसा है वैसा ही रहे तो अच्छा है। इब्रानियों की पत्री, नए नियम में इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, जहां पर विश्वास की चर्चा हुई है, और विश्वास ऐसे ऐसे लोगों का जो हमारे लिए गवाहों के रूप में एक बड़े बादल बन गए। बाइबल कहती है ना कि आओ जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, तो इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय, 11 चैप्टर ऑफ हिब्रू, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हीरोज ऑफ फेथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल के जो शूरवीर हैं, विश्वास के शूरवीर हैं, उनका एक छोटा सा घटनाक्रम है, और कई विश्वास के शूरवीरों की चर्चा इसमें हुई है। इसकी स्टार्टिंग लाइन ही इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पहली आयत ही अपने में विश्वास की सबसे परफेक्ट परिभाषा है। इससे बेहतर परिभाषा और कोई हो नहीं सकती। आगे सुनिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी जो चीजें हमने आशा की हैं उनका निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें हम नहीं देख रहे हैं, अनदेखी, अनसुनी नहीं, अनदेखी बातों का प्रमाण है। अब यहीं पर इस टेलीस्कोप का जिक्र आता है, इस दूरबीन का जिक्र आता है, अनदेखी बातों का प्रमाण। क्या है अनदेखी बातें? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप एक अंधेरी रात में जाए जब केवल सितारे हो, तो आप नंगी आंख से करीबन 40,000 सितारे एक साथ देख सकते हैं। जो आपको सितारे दिखाई देते हैं वो करीबन 40,000 के आसपास है, ये उनका अनुमान है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें, एक दूरबीन का इस्तेमाल करें, तो जो तारे आपकी नंगी आंखों से, सिंपल आंखों से नहीं दिखाई दे रही, जो वहां है लेकिन नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, वो इस टेलीस्कोप के जरिए आपको दिखाई देंगे। अनदेखी बातों का प्रमाण, वो चीज दिखाई नहीं दे रही। अरे हम तो नहीं मानते कि वहां पर तारा है, कोई बात नहीं, एक देखिए ना। जानते हैं, फेथ इज लाइक ए टेलीस्कोप, विश्वास एक दूरबीन की तरह है। और आज मैं आपको यह प्रूफ करके दिखाऊंगा खुदा के कलाम से, और यह आपको एक्साइट करेगा, उत्साहित करेगा,
प्रभु यही दृष्टि, मेरे को एक टेलीस्कोप वाली दृष्टि दीजिए। मित्रों उकाब पक्षी की जो सबसे बड़ी खूबी जानते क्या, वो 15, 20, 25 मील की दूरी से अपना शिकार देखता है। टेलीस्कोप जैसी आंखें, उसकी दूर की दृष्टि होती है। और वही मसीही सफल है जो टेलीस्कोप जैसी दृष्टि रखता है, दूरबीन जैसी दृष्टि रखता है, क्योंकि यह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा हमेशा आगे देखती, आशा हमेशा फ्यूचर और भविष्य को देखती। आइए मैं पढ़ता हूं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। विश्वास ही से यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। मिस्र में 400 साल तक उसने चर्चा की कि तुम गुलाम रहोगे, लेकिन एक दिन तुम यहां से निकलोगे। उसने विश्वास से, यूसुफ नहीं निकला, यूसुफ मिस्र में ही मर गया, लेकिन उसने विश्वास की दूरबीन से, विश्वास की आंखों से, दूरदृष्टि से उसने अपनी संतानों को बताया कि एक दिन तुम निकल जाओगे, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। अरे अरे अरे, अपनी हड्डियों के विषय में। अभी मैंने कहा ना कि दूरबीन और हड्डी, आप हड्डी से डरिए मत, मैं कोई जंतर मंतर नहीं कर रहा हूं। अपनी हड्डियों के विषय में, अपनी लाश के विषय में नहीं, अपनी हड्डियों के विषय में। अब आइए मेरे साथ, इसीलिए मैं कहता हूं पुराने नियम का अध्ययन कीजिए मित्रों, उत्पत्ति निर्गमन की किताब मेरे साथ चलिए। आप नए नियम पर अटके हुए, नए नियम में कहानी किससे नहीं है पुराने नियम की, वो बातें जो हमारे और आपके आत्मिक उत्थान के लिए, जो हमको दूरबीन जैसी दृष्टि देने के लिए महत्वपूर्ण है, वो बातें दर्ज की गई हैं नए नियम की। इब्रानियों की पुस्तक नए नियम की पुस्तक है, उसके अंदर उत्पत्ति की आखिरी आयत का जिक्र हुआ है। यूसुफ ने अपने मरने के समय अपनी संतान से अपनी हड्डियों, उसकी उनके निकल जाने की और अपनी हड्डियों की चर्चा की है। अब मैं उत्पत्ति में आ रहा हूं, पुराने नियम में आ रहा हूं, 49वां 50वां अध्याय, द 50th चैप्टर ऑफ जेनेसिस, फिर और 25वीं आयत। फिर यूसुफ ने इसराइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ दिलाई। एक मिनट, ये हड्डियों के, और आगे सुनिए, शपथ दिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। वहां से मतलब मिस्र से कनान देश में ले जाएंगे। एक मिनट यूसुफ, तुम क्या बात कर रहे हो? 430 साल के बाद तुम्हारी हड्डियां, अब हड्डी रह जाएगी, तुम्हारी हड्डियां मतलब क्या करेंगे उसका? उसको ले जाएंगे क्या करें, मतलब हड्डियों का क्या करेंगे? चूरा बनाएंगे, उसका खाद बनाएंगे, क्या करेंगे? उसने शपथ दिलवाई, ही मेड देम स्वेयर, खबरदार जो तुमने मेरी हड्डियों को यहां इस गुलाम देश में रखा, मैं भी जाना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मगर तुम तो मरे हुए हो। आज मित्रों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मसीही जीवन मरने का जीवन नहीं है। ये 30 साल 40 साल आपकी हड्डियां भी जिंदा होने की बात करती हैं, आपकी हड्डियां भी प्रभु के साथ उसके पुनरुत्थान में जाने की बात करती हैं। यूसुफ एक टेलीस्कोप से, एक दूरबीन से कुछ बातें देख रहा था। निर्गमन की पुस्तक पर हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 13वें अध्याय पर पहुंचे हैं, इसके आखिरी चंद आयतों में। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। उत्पत्ति की आखिरी आयत में उसने शपथ दिलाई थी, उनसे कसम दिलाई थी, मेरी हड्डियों को नहीं छोड़ोगे, और वो कसम 430 साल तक बनी रही। इट वॉज बींग पास्ड ऑन एंड पास्ड ऑन एंड पास्ड ऑन, वो एक के बाद एक, एक वंश से 430 साल। मित्रों कितने वंश गुजर गए सोचिए आप, वो तो एंटीक हो गया, वो तो पुरानी बातें हो गई, मगर नहीं, वो हड्डियों की चर्चा एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आपको मालूम है ये मिस्री लोग जो थे वो बड़े स्किलफुल थे ये इसमें लाशों में वो दवाई भरने के, उसको ममी बोलते थे, ममी, और उसमें दवाई भर करके मसाला लगा करके, और वो
हजारों साल तक वो लाशें हड्डियाई होती थी, उसमें मांसवास तो कुछ होता नहीं था, लेकिन वो लाश के रूप में पड़ी रहती थी। आज भी उनकी ममीज जो है आप म्यूजियम में देख लीजिएगा, आज भी फिरौन की ममीज रखी हुई है। फिरौन वही पहला वाला फिरौन नहीं, कई एक फिरौन हुए हैं जो मिस्र के राजा होते थे, उनको फिरौन कहा जाता था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि यूसुफ को मिस्र के लोग इतना प्यार करते थे शुरू में, क्योंकि उसने कितनी भलाइयां की थी, उनको उस उतने बड़े अकाल से निकाला था, उन्होंने जरूर उसकी लोथ में भी द्रव्य भर करके, मसाला भर करके उसको रख दिया होगा। 430 साल तक वो वैसे ही पड़ी हुई थी, कहीं कुछ नहीं। सब लोग आके देखते होंगे, हा हा यूसुफ को देखो ये पड़ा हुआ, इसने कहा था मेरी हड्डियों को ले जाना। मेरे साथ रहिएगा मित्रों, ये किसी को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ये लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, अभी इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये किसी को जानना पड़ेगा, कोई है जिसकी हड्डियां सूखी हुई हैं, कोई है जिसको हड्डियों के विषय में जानना है कि उनकी हड्डी भी जिंदा हो सकती है, और इसने अपने हड्डी के विषय में शपथ दिलाई। मैं आपको ले चलना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय 19वीं आयत। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। कब मूसा पैदा हुआ, कब यूसुफ मारा गया, अब मर गया, कहीं कोई करेक्शन नहीं, लेकिन हड्डियां वहां मौजूद थी। क्योंकि यूसुफ ने इसराइलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ दिलाई खिलाई कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। सिर्फ शपथ नहीं दिलवाई, दृढ़ शपथ दिलवाई। और आज उसकी ये कही हुई बात कि निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, निश्चय तुम यहां से बाहर जाने पाओगे, स्वतंत्र होगे, मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से तुम आजाद होगे। और आज वो बात फुलफिल हो रही थी। उन्होंने कहा कि जब ये आदमी 400 साल के पहले की बातें देख सकता था, उस पर भरोसा कर सकता था, उस पर विश्वास कर सकता था, आहा, विश्वास ही से यूसुफ ने अपनी हड्डियों के विषय में शपथ दिलाई, दृढ़ शपथ दिलाई, परमेश्वर तुमको निकालेगा। मैं हिजकेल की पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, हिजकेल की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय, हिजकेल चैप्टर 37, पहली आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझसे मुझमें अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा किया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। डरिए मत, हड्डियों से डरिए मत, यह ओझई सुखैती नहीं हो रही, जंतर मंतर नहीं हो रहा है। मसीहियों के लिए हड्डियां एक माने रखती हैं। मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थी। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी तराई में कितनी सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं, कितनी चीजें हैं जो आपने सोच रखा था मगर उनकी मौत हो गई, आपके ड्रीम्स की मौत हो गई, आपके सपनों की मौत हो गई, आपके आपके जो आपने चाहा, जो आपकी इच्छाएं थी उनकी मौत हो गई। मगर आज खुदावंद आपसे एक संदेश कह रहा है, गॉड इज टॉकिंग टू समबॉडी, किसी से बात कर रहा है इस संदेश के द्वारा और पूछ रहा है कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और आज खुदा का आत्मा आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि आपकी वो मरी हुई सिचुएशन जिसको आपने पीछे छोड़ दिया, आपने सोचा अब मेरा मकान नहीं बन सकता है, अब मेरी दुकान नहीं बन सकती है, अब मेरे को नौकरी नहीं मिल सकती है, ये मेरी बीमारी 38 साल की बीमारी है, ये 12 साल की बीमारी है, अब चंगी नहीं हो सकती है। आपकी सिर्फ हड्डियां नहीं, अगर सूखी हुई भी हड्डियां हो और बहुत हड्डियां हो, तो मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और आज मैं इसी भविष्यवाणी को सिर्फ दोहराना चाहता हूं, आपके लिए दोहराना चाहता हूं कि सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। अरे कोई है जो सूखी हड्डियों के समान हो गया है? बट गॉड इज इवन टॉकिंग टू द ड्राई बोन्स। हालेलुया, खुदा के कलाम की इतनी अवहेलना मत कीजिएगा। आज आपको शेयर करने में, आपको लाइक करने में परेशानी हो है, मगर खुदा का कलाम इतना जोरावर है, आप लाइक करें ना करें, आप शेयर करें ना करें, वो सूखी हड्डियों से भी बात कर सकता है।
He has the power even to talk to the dry bones. और लिखा हुआ है कि उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। अरे प्रभु तेरा धन, आपको कहीं ऐसा कोई ऐसा परमेश्वर, कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए जहां पर ये हड्डियों से कोई बात कर रहा। मित्रों परमेश्वर का कलाम हाउ फोर्सफुल, हाउ फोर्टिफाइड, कितना दृढ़ कलाम है ये। सूखी हड्डियों से कह, परमेश्वर तुझसे ये कहता है, मैं सांस समवाऊंगा, तुम जी उठोगी। और यूसुफ को कहीं ना कहीं इस बात का गुमान था, उसको परमेश्वर का वचन था उसके पास, और वो जानता था कि उसकी भी सूखी हड्डियां क्यों ना हो, 400 नहीं 4000 साल पुरानी हड्डियां क्यों ना हो, एक दिन वो जी उठेंगी। और क्या हुआ, मिस्र से ये हड्डियों को लेकर के गए। और आज मैं आपको यूसुफ की कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मूसा की कहानी नहीं बता रहा हूं। हमने पुराने नियम को सिर्फ कहानी और किस्से समझ रखा है, लेकिन नए नियम में जब भी पुराने नियम की चर्चा हुई तो हमारी चेतावनी के लिए हुई, हमारे निर्देश के लिए हुई, हमको सावधान करने के लिए हुई, हमको उत्साहित करने के लिए हुई। लूत की पत्नी को स्मरण रखना, उन्होंने लूत की कहानी, यीशु मसीह ने लूत की कहानी नहीं बताई, चेतावनी दी कि आगे बढ़ करके पीछे देखने की कोशिश मत करना। दूरबीन पर बात करते हैं, इट लुक्स लाइक दैट जोसेफ हैड द टेलीस्कोप ऑफ फेथ, वो दूरबीन से जो अनदेखी बातों का प्रमाण था। मित्रों इस दूरबीन को कुछ दिन पहले हमने खरीदा और बड़ी मशक्कत हुई इसको सही करने में, क्योंकि हमें दूरबीन इस्तेमाल करना नहीं आता था। यह ऐसा नहीं है कि बस आपने लगाया और देखने लगे, ना 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 बिल्कुल नहीं। शुरू में तो हमने लगाया तो हमने सोचा कि यह गलत आ गया है, यह खराब है, यह बेकार है। बाद में हम लोगों ने इसकी बारीकी जानी, नंबर एक कि दूरबीन को केवल एक साइड से देखा जा सकता है, इस पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप इसको इधर से, इसके ऊपर कैप होता है इसके सामने के लेंस पर, आप इधर से इधर नहीं देख सकते, आप सिर्फ वन वे देख सकते हैं। अगर आपको खुदा का कलाम जानना है तो खुदा के दृष्टिकोण से आपको देखना होगा, आप अपना दृष्टिकोण उसमें मत लगाइए। ये टू वे नहीं है, द वर्ड ऑफ गॉड इज वन वे, यहोवा यो कहता है, आप क्या कहते हैं नोबॉडी केयर्स। आप कहेंगे सूखी हड्डियां जी जा, वो ओझाई सुखाती आप करते रहिएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब यहोवा अपनी बात कहता है, हालेलुया, सूखी हड्डियों से कह, मैं सांस समवाऊंगा और वे जी उठेंगी। ये टेलीस्कोप सिर्फ एक तरफ से देखी जा सकती है। एक और खूबी है टेलीस्कोप की कि इसके अंदर कई एक लेंस लगे हुए हैं, और उन लेंस को जब तक आप एक सिरे में या एक लाइन में नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको अंधेरा दिखाई देगा। एक और खूबी है इसको देखने की, एक और तरीका, मैं यूं कहूं एक तरीका है टेलीस्कोप का, और आप इसको अपने जीवन से मिलाते जाइए। यह फेथ है, फेथ, फेथ वन वे है, केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है। आज हम लोगों ने 75 लोगों पर भरोसा किया है, आज हम लोगों ने यहां भी लेंस लगा दिया, यहां भी लेंस लगा दिया, एक यहां लगाया है, एक वहां लगाया है, दुनिया के लेंस लगा करके हम सोच रहे हैं कि हम दूरदृष्टि कर पाएंगे, और दिखाई किसी में से नहीं दे रहा है। देयर इज ओनली वन लेंस, केवल एक लेंस है जो सामने से आपको दिखाई देगा, आपको केवल एक तरफ से ही देखना है। और जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 जो लेंसेज लगे हुए हैं वो सब ये सामने वाले लेंस से सिधाई में होने पड़ेंगे। जब तक उसके बिल्कुल एक्यूरेट, मैंने कहा एक्यूरेट, बिल्कुल सिधाई में नहीं होंगे, आपको नहीं दिखाई देगा। और उसके लिए अब एक्यूरेसी आएगी कैसे, कैसे ये बिल्कुल सीधे रहेगा, और उसके लिए आपको एक ट्राईपॉड की जरूरत है, एक बेस की जरूरत है जो हिलने डुलने वाला ना हो। हम लोगों ने एक्स्ट्रा मनी खर्च किया कि एक ऐसा ट्राईपॉड, एक ऐसा बेस या एक ऐसा त्रिभुज ला करके जिसके ऊपर ये रखा जाए कि ये जरा सा ना हिले। मित्रों जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे, हम लोग तो क्या बोलते हैं उसको,
थाली का बैगन, बिना पेंदे की बिना पेंदे का लोटा, और ये मसीह लोग कभी ये चर्च, कभी वो चर्च, कभी ये पादरी को सुन रहे, कभी वो पादरी को सुन रहे, ये भी अच्छा बोल रहे, वो भी अच्छा बोल रहे, वो भी इनसे भी दुआ, मतलब कोई अपना आधार है ही नहीं, ये हिलता डुलता डुलता हिलता रह रहा है। मित्रों ऐसे कुछ नहीं दिखाई देगा, इट हैज टू बी कंप्लीटली स्टैंड स्टिल, ये बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। प्रभु में स्थिर रहिए, हवा के पवन के झोंके से ये हिलने लगेगा तो आपको जो आप देखना चाहते आपकी दृष्टि कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। दैट इज वॉट फेथ इज, लुकिंग टूवर्ड्स जीसस एंड जीसस अलोन। दुनिया पर हमको नहीं जाना है, हमको ये भी करना वो भी करना, इनसे भी बोल दे उनसे भी बोल दे, हैव फेथ इन जीसस। उसने कहा मैं उसके दामन के छोर को छू लूंगी, शी वॉज कंप्लीटली फोकस, अपने आप को उसने इन लाइन किया, उसने अपने आप को उस पंक्ति में, उस सिधाई में किया जहां उसका दामन था। दुनिया के लोग उसको दाहिने और बाएं, अगर वो हिलती डुलती रहे, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, वो हिलती डुलती रहती, कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई उधर से धक्का दे रहा, उसने कहा मेरा निशाना उसके दामन का वो छोर है। हालेलुया, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मित्रों आज हमने दुनिया के निशान बना रखे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इस निशान पर जाए कि उस निशान पर, ये इस निशान पर पहुंचते तो फिर दूसरा निशान दिखाई दे रहा था, दूसरा नो, क्रूस ही है मेरा निशान, आगे बढ़ जावां। और मित्रों यूसुफ ने अपनी हड्डियों के विषय में शपथ दिलाई, मेरी हड्डियों को इस देश में नहीं छोड़ोगे, मैं गुलामी में नहीं रहना चाहता हूं, मेरी हड्डियां भी आजाद होंगी। आज डिटरमिन कीजिए खुदावंद, मैं मर भी जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, मेरी हड्डियां भी क्यों ना रह जाए, बट आई वॉन्ट टू गो विथ यू, मैं उस पुनरुत्थान का भागी होना चाहता हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं खत्म कर रहा हूं मित्रों, डाउन द कॉरिडोर ऑफ टाइम, समय के उस झरोखे से यूसुफ देख रहा था, उसको कुछ दिखाई दे रहा था जो आम आदमी को, उस जमाने के शायद इंसानों को, क्या करेगा? अच्छा ठीक है, मान लो हड्डी ले आकर के वहां गाड़ दिए तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? यूसुफ ने कहा तुमको शायद नहीं मालूम, बट आई नो इट, आई नो इट। और मित्रों कई सौ साल के बाद परमेश्वर का दूत नासरत नगर में, आहा हालेलुया, एक कुंवारी स्त्री के पास भेजा गया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तू गर्भवती होगी और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, हालेलुया। और उसने अपना पलौठा जना और कपड़े में लपेट करके चरनी में रखा, तू उसका नाम यीशु रखना, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए आज एक उद्धार करता जन्मा है। हाँ हाँ ठीक है, ये तो नए नियम, जी नहीं, ये यूसुफ देख रहा था। He knew that there will be a time. दुनिया नहीं देख रही, अनदेखी बातें हैं, लेकिन विश्वास के टेलीस्कोप से मित्रों, जैसा मैंने कहा कि नंगी आंखों से 40,000, दूरबीन से करोड़ों करोड़ों अरबों तारे आपको दिखाई देंगे। Why don't you take the telescope of faith? आज फेथ की, विश्वास की दूरबीन ले लीजिए और इससे जब आप देखने लगिएगा, आपको दिखाई देगा कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे रहा है, तुरही सुनाई दे रही है, और वो बादलों पर बड़ी हड़हड़ाहट के साथ, बड़े शोर के साथ, बड़ी ऊंची प्रशंसा और स्तुति के साथ, हजारों हजार स्वर्गदूत के साथ जमीन पर उतर करके आ रहा है और अपने आप अपने लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है। बट यू हैव टू हैव द टेलीस्कोप ऑफ फेथ, आपके पास वो विश्वास की दूरबीन होनी पड़ेगी जो यूसुफ के पास थी। सुनिए, जीसस केम इन टू दिस वर्ल्ड, 33.5 साल वो रहे और एक दिन उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लोगों ने सोचा खत्म हो गया, ये इसको कब्र में रख दिया जाए, जैसे बाकी लोग मर गए वैसे ये भी खत्म हो गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वो है जिसने कहा कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। आज उसने कुछ खोला है मित्रों, आज अपनी उसकी मौत, आज उसका बलिदान, आज उसका खून बहाया जाना, आज उसका चिल्लाना कि सब पूरा हुआ, उसने कुछ खोल दिया है। मत्ती की इंजील और उसके 27वें अध्याय की 51वीं आयत, 51st वर्स ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27,
मत्ती की इंजील 27वां अध्याय और 51वीं आयत। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। आगे सुनिए, और कब्रें खुल गई। मैं वो हूं जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। ये कब्रें कैसे खुल गई, किसने खोला इनको, ये कौन सी ताकत है जिसने कब्रों को खोल दिया। और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी। अपने विश्वास से यूसुफ ने इसराइलियों से अपनी हड्डियों के विषय में दृढ़ शपथ दिलाई, मेरी हड्डियों को यहां मत छोड़ना, तुम ले जाकर के कनान देश में विच वॉज क्लोज टू जेरूसलम। हालेलुया। वो इस दूरबीन से, विश्वास की दूरबीन से देख रहा था कि मेरी हड्डियां भी एक दिन जी जाएंगी। आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट रेजरेक्शन। मैं उस प्रथम पुनरुत्थान का भागी होना चाहता हूं। दुनिया नहीं देख रही थी, दुनिया यूसुफ को पागल समझ रही थी, दुनिया यूसुफ को सनकी समझ रही थी, ये क्या बात कर रहा है, क्या करेंगी इसकी हड्डियों को ले जाकर के। बट जोसेफ वॉज लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप ऑफ फेथ कि एक दिन आएगा जब मेरा उद्धारकर्ता, मेरा यीशु वहां गलगत्ता नाम की पहाड़ी पर मारा जाएगा, मेरे लिए वो जान देगा। ओ हालेलुया। और वो कब्र में जाएगा, मगर उसके मरने के जैसी वो मरेगा, जब वो संसार के लिए अपने प्राण को त्यागेगा और कहेगा पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, कब्रें खुल जाएंगी और मेरी भी कब्र खुलेगी। यूसुफ को विश्वास की दूरबीन से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मेरी भी कब्र खुलेगी, मेरी भी लोथ जी उठेगी, मैं भी उसके जी उठने के बाद, चूंकि वो प्रथम फल है, पुनरुत्थान का प्रथम फल है, उसको पहले जिंदा होना है, उसके जिंदा होने के बाद, उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें विश्वास की वो दूरबीन दी है, वो टेलीस्कोप दिया है, वो दूरदृष्टि दी है। दुनिया नहीं देख रही है, तेरे दूसरे आगमन को नहीं देख रही है, मगर हमें मालूम है कि हम खत्म भी हो जाएंगे, हमारे लाइफ टाइम में अगर तू नहीं भी आया खुदावन, हमारी हड्डियां उस दिन का इंतजार करेंगी जब तू बादलों पर आएगा और हम तेरे साथ उठाए जाएंगे। बाइबल कहती है कि जो मसीह में सो गए हैं उनसे हम आगे, जो हम जिंदा है उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले उनकी लोथे उठेंगी, उनकी हड्डियां उठेंगी, उसमें सांस आएगी और वो जीवित होंगी। ये है हमारे खुदावंत की महिमा, ये है हमारे खुदावंत का प्रताप, ये है हमारे खुदावंत का उद्धार कि वो हड्डियों तक को उद्धार देने वाला प्रभु है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस सिचुएशन में है, कितने निराश है, आपका उत्साह हड्डी जैसा हो गया, सूखी हड्डी जैसा हो गया, कोई जान नहीं है उसके अंदर, आपके उत्साह में कमी आ गई है। अब मैं प्रचार नहीं करूंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, अब मैं गाना नहीं गाऊंगी, अब मेरे मित्रों शैतान तो चाहता ही है कि आपको सूखा कर दे, आपको बर्बाद कर दे, आपको हड्डी हड्डी बना दे। मगर आज शैतान से अलानिया कह दीजिए कि अगर मेरी सिचुएशन, अगर मेरी जिंदगी हड्डी जैसी भी हो गई है, सूखी हड्डी क्यों ना हो गई हो, उस पर मांस नहीं है, उसमें सांस नहीं है, उसमें जान नहीं है, तब भी मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और अगर छुड़ाने वाला जीवित है तो मैं भी एक दिन जिंदा होऊंगा, मैं भी एक दिन जिंदा होऊंगी, इस हड्डी में खुदावन जान डालेगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को ऐसा स्थिर कर लीजिए मित्रों, ऐसा स्थिर कर लीजिए ताकि जो बातें अनदेखी है, जो आपने देखी नहीं है, इस दूरबीन के जरिए आप देख सके। क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हमारी आशा क्या है कि हमारा खुदावंद आएगा, यह विश्वास से आपको दिखाई देगा, यस ही इज कमिंग, और अनदेखी बातों का प्रमाण है, एक दिन हमें वो प्रमाण मिलेगा। ये पवित्र लोगों की लोथे जी गई और मुझे पूरा यकीन है कि उन पवित्र लोगों में यूसुफ भी एक पवित्र जन था जिसकी कब्र खुल गई, जिसकी लोथ जी गई, जिसकी सूखी हड्डियां जी गई मित्रों। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद खुद जी करके पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। आज का ये वचन, मैं नहीं जानता हूं आप में से कितनों के लिए आशीषित है, लेकिन मैं इस वचन को बार बार अपने लिए दोहराता हूं। प्रभु मेरी वो जो विश्वास की दूरबीन है वो कहीं गुम ना होने पाए,
वो कहीं इधर उधर ना होने पाए। मित्रों, इस दूरबीन को हम लोगों ने बिल्कुल सामने रखा, क्योंकि जब भी आसमान साफ होता है हम बाहर जाकर के और आकाश के गणों को देखते हैं, चांद को देखते, इतना खूबसूरत नजारा। जो चीजें ऐसे चांद की नहीं दिखाई देती, वो गड्ढे उसके अंदर, वो क्रेटर्स सब इसके द्वारा दिखाई देते हैं। और एक काम करते हैं, इसको बहुत एहतियात से रखते हैं और इसकी सफाई करते रहते हैं। मित्रों, इस पर गर्दा आ जाता है, इसके लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दिया जाता है और इसको साफ किया जाता है। मित्रों, अपने विश्वास को मजबूत करते रहिए। जानते कैसे? खुदा के कलाम से, उसके लहू से धो करके अपने विश्वास को और भी तेज करते रहिए, शार्प करिए, बिल्कुल चमकता हुआ रहे, इन लाइन रहे, बिल्कुल सिधाई में रहे। और एक बात बताओ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है इसके ऊपर देखने की कि आज जब मैं लगाता हूं एक सांस में मुझको दिखाई दे जाता है, क्योंकि मुझको मालूम है कि कैसे देखना है, कहां देखना है, कितना टेढ़ा करना है, कितना आगे करना है, कितना पीछे करना है। इसकी सारी मैकेनिज्म मुझको समझ में आ गई, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है इसकी, इतनी प्रैक्टिस। जब कुछ नहीं दिखाई देता था, जब फ्रस्ट्रेशन होता था, यार लग रहा है ये बेकार है, ये तो कुछ दिखाई नहीं देता, लोग कहते सब दिखाई, कुछ समझ में, और उसके बाद धीरे 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 करके। मित्रों, खुदा का कलाम हो सकता है एक दिन में आपको ना समझ में आए, एक समाचार में ना समझ में आए, एक काम कीजिए, पुराने नियम से पढ़ना शुरू कीजिए, हमारी इस सीरीज को सुनना शुरू कीजिए। गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल गिव यू अ न्यू डायमेंशन टू लुक फॉरवर्ड। आपको एक नया दृष्टिकोण देगा कि आप उसके आगमन को देख सके। फिर दुनिया की और सारी चीजें कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको उसका आगमन दिखाई देगा और आप अपने आप को उसके साथ जाता हुआ देखेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, विश्वास की आंखों की, विश्वास की दूरबीन की आशीष। जय मसीह।